हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवी इन शॉर्ट। इन दिस वीडियो हम जानेंगे कायदान की और दो अजीब कहानियों के बारे में, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है केनरोको एरा में, और इस वक्त सत्ता को लेकर दो बहुत ही पावरफुल क्लैंस आपस में युद्ध कर रहे हैं, गेंजी और हाइकी क्लैन। समंदर में जहाजों में सवार दोनों ही क्लैंस एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। हाइकी क्लैन पहले भी काफ़ी सारे बैटल्स हार चुका था, लेकिन आज की लड़ाई उनकी आखिरी थी, क्योंकि इसमें पूरा हाइकी क्लैन मारा जाता है। और युद्ध के अंत में समंदर का पानी अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। इस घटना को गुजरे हुए 700 साल हो चुके थे, और उस वक्त से ये समंदर आत्माओं से भरा हुआ है। अब यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अजीब केकड़े दिखने लगे थे, जिन्हें लोगों ने नाम दिया था हाइकी क्रैब, जिनके शेल्स पर इंसानी चेहरे हुआ करते थे। उन हज़ारों मरे हुए सामुराई के आत्मा के शांति के लिए लोगों ने यहाँ पर एक बुद्ध का मंदिर बनाया, लेकिन तब से बहुत ही अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अब हम होची को देखते हैं। होची जन्म से ही अंधा था, और उसने कुछ ही दिनों पहले इस मंदिर में अपनी जगह बनाई थी एक मॉन्क के रूप में। एक शाम जब होची कुएं से पानी निकाल रहा था, एक दूसरा साधु उससे कहता है कि वो गुरुजी के साथ मिलकर बाहर जा रहा था, और सुबह तक होची को ही मंदिर की देखभाल करनी पड़ेगी, जिस पे होची हामी भर देता है। शाम ढलने लगती है, और होची को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मंदिर के अंदर मौजूद हो, लेकिन वो इसे अपना मन का वहम मानता है, और फिर बाहर बैठे हुए अपनी वीणा बजाने लगता है। होची वीणा बजाने में पारंगत था, वो वीणा बजा ही रहा था कि तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है। अब हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि हवा में से एक सामुराई का भूत उसके सामने आ खड़ा होता है। होची क्योंकि अंधा था, उसे ये बात पता नहीं चलती। सामुराई की आत्मा होची को उसके साथ चलने को कहती है, क्योंकि सामुराई के मास्टर ने उसे ऐसे करने को कहा था। उसका मास्टर होची की वीणा सुनना चाहता था। होची भूत का हाथ पकड़े हुए उसके साथ एक बहुत ही बड़े दरबार में जाता है, लेकिन असल में वो एक कब्रिस्तान था, और वो जिनके बीच वीणा बजा रहा था वो सब दरअसल 700 साल पहले मरे हुए हाइची क्लैन के योद्धाओं की भटकती हुई आत्माएं थी। सुबह होने पर जब गुरुजी और बाकी साधु मंदिर लौटते हैं, वो होची के बारे में पूछते हैं। दिन काफ़ी हो चुकी थी, और वो अभी तक अपने कमरे में सोया हुआ था। जब वो उठकर बाहर आता है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही थी, जैसे किसी ने उसके शरीर की पूरी ताकत उससे चूस ली हो। गुरुजी को गांव वालों से ये पता चला था कि होची कल रात मंदिर से बाहर गया था। पूछने पर होची अपने गुरुजी से झूठ कहता है कि उसे कल रात कुछ जरूरी काम था। आज भी रात होने पर सामुराई की आत्मा होची को लेने आती है, और वो उससे पूछता है कि उसने कल रात की बात किसी से कही तो नहीं, जिसमें होची ना में अपना सर हिलाता है, और फिर वो उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ले जाता है। सुबह होने पर होची फिर से देर से उठता है, और आज उसकी हालत और भी खराब दिख रही थी। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था, इसलिए गुरुजी अपने बाकी साधुओं से होची पे नज़र रखने को कहते हैं। रात में तेज़ बारिश होने लगती है, और एक आदमी दौड़ता हुआ गुरुजी के पास आता है। वो कहता है कि होची इतनी बारिश में भी जंगल के अंदर जा रहा था। गुरुजी उसे जल्दी से उसका पीछा करने को कहते हैं, और ध्यान में रखने को कहते हैं कि होची को इसके बारे में पता ना चले। आदमी अपने दो दोस्तों को लेकर होची के पीछे उस तेज आंधी में जंगल के अंदर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो तीनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में बारिश का नामो निशान नहीं था, बस हर जगह घना कोहरा ही छाया हुआ था। पीछे पलटने पर उन्हें हवा में उड़ती हुई आत्माएं दिखने लगती हैं, और वो लोग बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने उन्हें होची को लेकर आने का आदेश दिया था। वो तीनों होची की तलाश में जब अंदर जाते हैं, वहाँ पर कब्रों के बीच बैठा हुआ होची अपनी वीणा बजा रहा था। वो तीनों उसे जल्दी यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देता है, इसलिए तीनों मिलकर उसे ज़बरदस्ती मंदिर में वापस ले जाते हैं। गुरुजी होची को अच्छे से समझाते हैं कि जिसे वो राजा का दरबार समझता है वो एक कब्रिस्तान था, और अगर यही चलता रहा तो जल्द ही अपनी जान गंवा बैठेगा। गुरुजी का मानना था कि वो आत्मा दोबारा यहाँ पर होची के लिए ज़रूर आएगी, इसलिए वो उसे मंदिर में लेकर उसके शरीर पर सूत्रा लिखवाते हैं। सूत्रा लिखने वाले पुजारी से गुरुजी ये पूछते हैं कि क्या उसने उसके पूरे शरीर में सूत्रा लिखी, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने उसके पूरे शरीर में सूत्रा लिख दी। अब गुरुजी होची को कहते हैं कि वो मंदिर के बाहर उस भूत का इंतज़ार करे, लेकिन जब वो उसका नाम पुकारे तो वो उसका जवाब ना दे। उसे किसी भी हालत में आवाज़ करने से आगाह कर देते हैं, और कहते हैं कि उसकी जान खुद उसी के हाथों में है, और फिर सभी होची के मंदिर में अकेला छोड़ रात के लिए वहाँ से चले जाते हैं। रात होने पर सामुराई का भूत मंदिर में आता है, और हर बार की तरह होची को आवाज़ लगाता है, लेकिन होची कुछ भी नहीं बोलता।
होची आत्मा के सामने ही बैठा था, लेकिन आत्मा उसे देख नहीं पा रहा था। दरअसल गुरुजी ने जो सूत्र होची के शरीर पर लिखवाए थे वो उसी की वजह से आत्मा से छिपा हुआ था। आत्मा उसे हर जगह ढूंढने लगती है और उसकी नज़र हवा में लहराते दो कानों पर पड़ती है। जिस साधु ने सूत्रास लिखे थे वो होची के कानों पर सूत्रा लिखना भूल गया था और इसीलिए वो दो कान आत्मा को दिख रहे थे। उन कानों को खींचने लगता है जिससे होची को बहुत ही दर्द होता है, लेकिन उसे उसके गुरु की बात याद थी इसलिए वो बिल्कुल चुप रहता है, जब तक कि आत्मा उसके दो कानों को उखाड़ कर अपने साथ ना ले जाती है। इसमें होची के कान तो चले जाते हैं लेकिन उसकी जान बच जाती है। और अब इस हादसे के बाद होची दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था और अलग अलग देशों से राजा और उनके मंत्री उसकी वीणा सुनने आते थे और बदले में उसे बहुत ही महंगे तोहफे देते थे। और ये थी क्वायदान की तीसरी कहानी। अब हम जानेंगे क्वायदान की आखिरी कहानी इन अ कप ऑफ टी। ये साल था 1990 का और हम एक लेखक को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर एक कहानी लिख रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 1990 के 220 साल पहले। आज नया साल का पहला दिन था और लॉर्ड सार्डो, जो कि उस वक्त राजा था, अपने लोगों की हालचाल देखने के लिए शहर में आए हुए थे। लॉर्ड सार्डो आराम करने के लिए उनके होंगो नामक जगह पर उनके पूर्वजों की मंदिर में ठहरते हैं और उनके साथ काफ़ी सामुराय थे। उनमें से एक सामुराय जिसका नाम कोबे था, प्यास लगने पर पानी पीने के लिए जाता है। बाल्टी से जब वो कप में पानी भर के पीने जा रहा था, उसे उस पानी में एक दूसरे आदमी का चेहरा दिखता है। वो इस पर घबराता नहीं है और उस कप के पानी को फेंक कर वो कप को ध्यान से देखने लगता है, मगर वो एक साधारण कप ही था। उस कप को रख के एक दूसरी कप उठा उसमें पानी भर लेता है, लेकिन इस बार भी उसे उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है। पानी में दिख रहा आदमी मुस्कुरा रहा था जैसे कि वो उसे चिढ़ा रहा हो। सामुराई गुस्से में आकर उस कप को तोड़ देता है और एक तीसरे कप में पानी भर लेता है, लेकिन इस बार भी उसे वही चेहरा दिखाई पड़ता है, मगर वह पूरे गुस्से में उस पानी को पी लेता है और एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसने एक भूत को पी लिया। रात में सामुराई अपनी तैनात के जगह पर जाकर उस जगह की रखवाली के लिए खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद कमरे के कोने में से एक आदमी बाहर आता है, सामुराई से देखकर अपनी तलवार पर हाथ रखता है। उस आदमी से पूछता है कि वो कौन था, जिस पर कोने में खड़ा आदमी कहता है कि आज सुबह तो हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, मेरा नाम हैनिकी है। सामुराई अब सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि वही आदमी था जिसका चेहरा उसने सुबह पानी में दिखाई दिया था, लेकिन उसे पहचानने से मना कर देता है और उस आदमी से पूछता है कि वो अंदर कैसे आया, जिस पर वो आदमी सामुराई पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने सुबह मुझे लगभग मार ही दिया था और तुम कहते हो कि तुम मुझे भूल गए। सामुराई भी इस पर अपनी तलवार निकाल उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी तलवार हवा के आर पार हो जाती है और हैनिकी नामक वह आदमी कमरे से गायब हो जाता है। सामुराई पीछे पलटने पर वो देखता है कि वह आदमी दीवार के आर पार चला जाता है। सामुराई जल्दी बाहर जाकर चिल्लाने लगता है और सबको बताता है कि वहाँ पर एक घुसपैठिया आ चुका था। सब मिलकर उस आदमी को बहुत ढूंढते हैं पर किसी को भी वो दिखाई नहीं दिया था, जिस पर सब लोग सामुराई पर हंसने लगते हैं कि ये उसका वहम था। अब सामुराई अपने घर चला जाता है, तब उसका नौकर आकर उससे कहता है कि उससे मिलने बाहर तीन लोग आए हुए थे। वो जल्दी से घर के बाहर जाता है ये देखने कि इतनी रात में उससे मिलने कौन आया था। वो तीनों से कहते हैं कि वो तीनों उनके मास्टर हैनिकी का संदेश लाए थे। वो कहते हैं कि जब उसने हैनिकी पर किला में वार किया था उसमें वो जख्मी हो गया था, लेकिन वो जल्दी वापस आकर अपना बदला लेगा। ये सुनकर सामुराई गुस्सा हो जाता है और उन तीनों पर हमला कर देता है। ये तीनों भी देखते ही देखते हवा में गायब हो जाते हैं। जब भी सामुराई उन पर हमला करता वो तीनों फिर गायब हो जाते। सामुराई पूरी तरह गुस्से से पागल हो जाता है और किसी भी तरह करके उन तीनों को मार गिराता है, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर क्लियरली देख पाते हैं कि वहाँ पर किसी की भी लाश नहीं थी। सामुराई अकेले ही खड़ा हंस रहा था और वो तीन आदमी फिर से उसके सामने आ जाते हैं। सामुराई ये देखकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और बस हंसते ही जा रहा था। इसके बाद क्या होता है हमें पता नहीं चलता और कहानी यहीं पर रुक जाती है। अब हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं उसी लेखक के घर, जिससे मिलने उसका पब्लिशर आया था। आज लेखक उसे एक कहानी देने वाला था। पब्लिशर जब नौकरानी से लेखक के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो अंदर बैठे हुए अपनी कहानी लिख रहे थे। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो लेखक वहाँ पर नहीं था। नौकरानी इस पर कहती है कि उसे पूरे तौर पर यकीन है कि वो बाहर नहीं गए हैं, वो यहीं पर बैठे हुए अपनी कहानी लिख रहे थे। पब्लिशर टेबल पर पड़ी हुई वो अधूरी कहानी को पढ़ने लगता है
और दूसरे कोने से तभी उसे नौकरानी के चीखने की आवाज़ आती है। नौकरानी के हाथ से चाय की केतली गिर जाती है और वो भागते हुए घर से निकल जाती है। न जाने उसने क्या देख लिया था। पब्लिशर अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है ये जानने के लिए कि उसने ऐसा क्या देखा। पास पहुँच जब वो पानी की बाल्टी में अपनी नज़र डालता है तो वो भी डर के जल्दी से वहाँ से भाग खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि उस पानी की बाल्टी में वो लेखक था जो अपनी कहानी की जाल में फंस चुका था। वो मदद के लिए अपनी हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो हमेशा के लिए उसके अंदर ही फंसा रह गया। एंड इसी के साथ क्वायदान की चौथी और आखिरी कहानी इन अ कप ऑफ टी एंड हो जाती है। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना प्लीज ना भूले, क्योंकि इसी से वीडियोस आगे बढ़ती हैं, वरना मेरी मेहनत बस यूं ही चली जाएगी। और कमेंट में मुझे एक ऐसी मूवी रिकमेंड करें जिसे किसी ने भी अभी तक एक्सप्लेन ना किया हो। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है एक भूतिया टापू से आते हुए रेडियो सिग्नल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।